फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा हुआ था कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था सिंगल स्टेज तक के लिए अभी तक हमने कहानी देखी हुई है, और सिंगल स्टेज जब हम लोग मूव कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम वहां पर निकल के आया था। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका इससे आप जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो जबरदस्त हाई करके गेन कर सकते हो अप टू 1000 बार तक। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 1000 बार है इसको अचीव करना बड़ा टिपिकल हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आई थी, डेट इज इक्वल टू 1+C - C इंटू P2/P1 की पावर 1/N, ये कहानी थी हमारे पास। और ये जो हमारे पास आया हुआ था ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए निकल कर आया हुआ था, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है कि ये जो हमारे पास इसमें हमने देखा हुआ था कि ये जो हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर है P2, जैसे जैसे हम P2 को बढ़ा रहे थे यहाँ कहीं ना कहीं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होते जा रही थी। और एक कंडीशन ऐसा आया था कि P2 तो आप बढ़ाना चाह रहे हो 1000 बार, लेकिन 15 बार 20 बार तक बढ़ाने के बाद भी ये देखा जा रहा था कि जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो हमको दिख रही है कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या है कम डिस्चार्ज ही करना बंद कर देगा। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होने का मतलब हमने ये देखा हुआ था कि जो आपका कंप्रेसर है वो कंप्रेसर का डिस्चार्ज भी कम होते चले जाएगा, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आया, तो ये हमारे पास एक जो फैक्टर दिख रहा है इस चीज को समझना है, तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमको जरूरत पड़ी है मल्टी स्टेज कंप्रेशन का। मल्टी स्टेज कंप्रेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक हम लोग सिंगल स्टेज में एक कंप्रेसर यूज करते थे यहां पर हम लोग मल्टी स्टेज यूज करेंगे। मल्टी स्टेज यूज करने से आपका फायदा क्या होगा कि आप प्रेशर को जितना चाहे उतना भी यूज कर सकते हो, उससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी आपका मेंटेन हो जाएगा, मतलब वो आपका कम नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो आपके जो शेप है, शेप इन द सेंस आप बोल सकते हो, जो साइज है आपका कंप्रेसर का वो भी क्या हो जाएगा कम होते चले जाएगा। एग्जांपल के लिए जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि सपोज आपके पास 1 bar का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आप ये 1 bar को कन्वर्ट 1 bar को कंप्रेस करके ले जाना चाहते हो 100 bar तक, ठीक है। अगर आप इसको सिंगल कंप्रेसर में करोगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा जो आपका एयर है वो ज्यादा कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, एयर ज्यादा आना चाहिए तभी तो उसको कंप्रेस करके 100 bar तक जा पाएगा। एयर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा आनी चाहिए तभी वो कंप्रेस करके क्या होगा 100 bar तक ले जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक चीज ये दिख रहा होगा क्या कि ये जो हमारा 1 bar से 100 bar तक की जो कहानी है इसमें अगर आप देखोगे तो जो आपका कंप्रेसर का साइज है ना वो कंप्रेसर का साइज भी आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर ये मैं कंप्रेसर की बात करूं तो कंप्रेसर का साइज भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा चीज, साइज बढ़ने से आप समझ सकते हो ये आपका क्या है, नॉर्मली जो आपका कंप्रेसर है साइज बढ़ने का मतलब ये सिलेंड्रिकल होता है, तो डेफिनेटली इसका स्टोरेज प्रॉब्लम भी होगा, ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम भी होगा, और भी आपके 3-4 फैक्टर हैं जिसके बारे में मैं जस्ट आपसे बात करने वाला हूं। तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग मूव करते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन की तरफ। और मल्टी स्टेज कंप्रेशन हमारा किस तरीके से काम करेगा देखते हैं एक बार। तो देखिए मल्टी स्टेज कंप्रेशन में आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए 1 से 100 bar तक आप जा रहे थे तो एकदम से अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एकदम से कम हो जाएगी, यही प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट कंप्रेसर है जो हमारे पास डिजाइन किया हुआ है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट कंप्रेसर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट कंप्रेसर आया तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कुछ आपका जो एयर है मान लीजिए 1A आपका एयर है तो 1 bar पे आपका यहाँ एंटर कर रहा है, तो जब इंटर कर रहा है तो इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद यहाँ से आपका आएगा डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। डिस्चार्ज करने के बाद अगर आप देखोगे तो इसी जो आपका एयर है, अब इस एयर को हम लोग ले जाते हैं किसमें, दूसरे कंप्रेसर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा कंप्रेसर है और ये दूसरे कंप्रेसर में हमारा क्या है, ये जो आपका एयर है इसी एयर को हम लोग क्या है इंटर करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास कंप्रेसर इंटर हुआ है यहाँ पर, और यहां से फिर ये कंप्रेसर देखोगे तो ये फाइनली डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर अगेन आपका और कंप्रेसर आएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर दो कंप्रेसर ले रहा हूँ, आप यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्रेसर कितने भी चाहो ले सकते हो। दो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो दो स्टेज हुआ, तीन यूज करेंगे तो तीन स्टेज होगा, जितने नंबर ऑफ कंप्रेसर होंगे उतने नंबर ऑफ स्टेज होंगे। अब देखिए यहाँ पर जस्ट मैं एक आपसे एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि ये जो आपका कंप्रेसर है इसके अंदर जो इंटर कर रहा है, मान लीजिए ये आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर पे इंटर कर रहा है, डेट इज द वन बार, और यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज इसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको बढ़ा के ठीक है जाना है, मान लीजिए आपको 1 बार से 25 बार तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, अभी तक अगर आप सिंगल कंप्रेसर यूज करते हैं तो यहाँ से मान लीजिए कि आपको 1 बार से 25 बार तक जाना रहता तो डेफिनेटली कंप्रेसर का साइज आपको क्या करना रहता, बढ़ाना पड़ता, क्योंकि आपको 25 बार वाला ज्यादा से ज्यादा एयर को क्या कर सके, स्टोर कर सके। यहाँ पे आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, 1 बार यहाँ पर एंटर किया, अब यहाँ पर कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, एयर डिस्चार्ज करेगा। अब डिस्चार्ज करेगा तो सपोज हमको एकदम से 25 बार पे उसको कंप्रेस नहीं करेंगे, हम उसको थोड़ा थोड़ा कंप्रेस करेंगे। रीजन क्या है बताता हूँ, ये आपका 1 बार है तो 1 बार से ये आपका कहां पर चले गया, ये मान लीजिए आपका पहुंच गया 5 बार पे। तो जब आप इसको 5 बार तक कंप्रेस करोगे तो आपका टेम्परेचर कितना चले जाएगा, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है वर्क इनपुट, ये हमने कंक्लूजन हमने देख रखा है क्या कि जो वर्क इनपुट है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, इसके बारे में बात करेंगे। तो जितना ज्यादा आप वर्क इनपुट करोगे उतना ज्यादा आपको इनलेट टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री है, मान लीजिए कि सपोज ये आपका 5 बार पर बढ़ने के बाद चले गया मान लो सपोज 200 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका कंप्रेसर का जो आपको एग्जिट दिखा है यहाँ पे आपको 5 बार तक दिख गया और 200 डिग्री सेल्सियस तक चले गया, ये कहानी क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से आपका 1 बार 30 डिग्री सेल्सियस से 5 बार और 200 डिग्री सेल्सियस तक चले गया। अब आपको देखिए क्या करना है, ये जो हमारे पास कंप्रेसर आया हुआ है यहाँ से जो आपकी एयर निकली हुई है, ठीक है, या जो भी आपका फ्लूइड निकला हुआ है, अब हम लोग इसको दूसरे में भेजते हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर फर्स्ट था, ये जो अगर मैं बात कर रहा हूं दिस इज द फर्स्ट कंप्रेसर एंड दिस इज द सेकंड कंप्रेसर। अब यहां पर देखिए क्या होगा, जब यहां पे आप इंटर करोगे तो यहां पे आप क्या क्या इंटर कराओगे, इसके लिए इनलेट कंडीशन क्या बनेगा, ये इनलेट कंडीशन बनेगा 5 बार, ठीक है, और यहां पे ये टेम्परेचर कितना बनेगा 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सुनिए यहां पे अगर हम लोग देखें तो 5 बार 200 डिग्री सेल्सियस से जो डिस्चार्ज किया है, मतलब फर्स्ट कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज है वो सेकंड कंप्रेसर के लिए इनलेट की तरह काम कर रहा है। और ये हम लोग देख चुके हैं क्या कि जो हमारे पास कंप्रेसर वर्क होता है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि इनलेट टेम्परेचर आपका जितना ज्यादा होगा कंप्रेसर वर्क उतना ही ज्यादा होगा। और ये कंडीशन को आप देखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपका प्रेशर रेशियो दैट इज इक्वल टू P2/P1, मतलब आउटलेट प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर, P2/P1 आप सेम रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, P2/P1 आप सेम रखिए। तो यहाँ पर T1 अगर आपका बढ़ेगा तो कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो P2 आपके पास कितना है 5, P1 कितना है 1, तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेट इज इक्वल टू 5/1, मतलब ये आपको कितना मिला हुआ है 5 बार मिला हुआ है, ये कहानी समझ में आया, 5 बार कंप्रेसर 1 के लिए मिला हुआ है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये आपका प्रेशर रेशियो यहाँ पर भी आपको वही मेंटेन करना है तो यहाँ 5 बार है तो डेफिनेटली यहाँ का एग्जिट आपको कितना मिल जाएगा 25 बार मिल जाएगा, कहानी समझ में आया। ये आपका जो 5 बार है ये 25 बार कैसे हो जाएगा, P2/P1 आपका रेशियो कितना आ रहा है, ये आपको आ रहा है 5, यही आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो मान लो कि सपोज ये आपका पोर्शन में 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ पे जो 2 आपका इंटर करेगा तो वही बाहर निकलेगा, तो ये आपका 25 और ये आपका 5 है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा 25/5, ठीक है, तो ये आपको कितना मिलेगा अगेन इक्वल टू 5, मतलब प्रेशर रेशियो तो हमको क्या है सेम रखना है, लेकिन कहानी देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब आपको 5 बार जो प्रेशर रेशियो, ये भी प्रेशर रेशियो 5 में, ये भी प्रेशर रेशियो 5 में है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क डन बहुत ज्यादा लगेगा, क्यों लगेगा, कंप्रेसर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब यहाँ पे आप 30 डिग्री सेल्सियस पे इंटर करा रहे हो और यहाँ पे करा रहे हो 200 डिग्री सेल्सियस पे, याद है मैंने कंप्रेसर के केस पे बताया था आपका। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगा सकते हैं क्या कि ये जो हमारा 200 डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर कम से कम आ जाए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, अगर आप प्रेशर ड्रॉप ही कर दोगे तो मतलब क्या हुआ कंप्रेसर लगाने का, हम कंप्रेसर क्यों लगाए हैं 25 बार तक जाए, ऑलरेडी ये कंप्रेसर 5 बार तक बढ़ा दिए,
तो अगर ये 5 बार तक बढ़ा दिया है तो और यहाँ पे आप जो भी डिवाइस लगाओगे आपको उसके आगे प्रेशर या तो कॉन्स्टेंट रहे या प्रेशर बढ़ाए, एटलीस्ट यहाँ प्रेशर ड्रॉप ना हो ऐसा डिवाइस लगाना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि 5 बार है फिर से हम लोग प्रेशर डाउन कर दिए 1 बार, फिर से बढ़ा रहे हैं तो 5 बार बढ़ा, तो जब प्रेशर को अप डाउन ही करना है तो कंप्रेसर लगाने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं विच इज कॉल्ड इंटर कूलर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग इसलिए यहाँ पर एक डिवाइस लगाए हुए हैं, ये जो हमारे पास है यहाँ पर हम लोग एक डिवाइस लगाए हैं और इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इंटर कूलर। ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर कूलर, इंटर कूलर। ठीक है, इंटर कूलर आपका बेसिक फंक्शन क्या होता है ये बता दे रहा हूँ। इंटर कूलर जो आपका है ये आपका टेम्परेचर को क्या करेगा, डाउन करेगा। ठीक है, बट प्रेशर इसके अंदर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, जो हमारे पास इंटर कूलर मैंने यहाँ पे डिवाइस लगाया हुआ है ये आपका टेम्परेचर को डाउन करेगा, लेकिन जो आपका प्रेशर है वो प्रेशर आपका इसके अंदर कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब ये जो आपका 200 डिग्री सेल्सियस है जब यहाँ से पास होगा तो ये आपका 5 बार है तो डेफिनेटली प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट है। प्रैक्टिकली कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं जब ये मूव करेगा और वो नेग्लेजिबल होता है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शनल लॉसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको 5 बार दिख रहे हैं यही 5 बार आपको यहाँ पर एग्जिट में मिलेगा। यहाँ पर जो आपको 200 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने के बाद वो फाइनली कितना चले जाएगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना तक ले जा सकते हो। और प्रैक्टिकली ऐसा प्रूफ है, ठीक है, हम लोग देखेंगे भी कि इसको आप मिनिमम कितना तक ले जाइए इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड के बराबर। मतलब ये अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये आप 30 डिग्री तक ले जाइए, इस केस में आपको वर्क इनपुट मिनिमम मिलेगा। ठीक है, और 30 नहीं ले जाएंगे तो कोशिश डेफिनेटली ये रहना चाहिए कि हमारा 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहे। और अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो, मतलब अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस तक कंसिडर कर लेते हो, ले जाते हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए सबसे ऑप्टिमाइज केस है, वहां पे आपको वर्क इनपुट मिनिमम मिलेगा। बात करेंगे अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक लगा इंटरकूलर। ठीक है, इंटरकूलर लगाने से फायदा क्या हुआ कि टेम्परेचर को डाउन कर दिया। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर डाउन करने से वर्क इनपुट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इसके पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल देखो हाई टेम्परेचर पे दूर दूर रहते हैं, जब आप टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या है, पास पास आ जाएंगे। तो डेफिनेटली कंप्रेसर को अब इसको कंप्रेस करने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, जो कंप्रेसर है उसको और कंप्रेस करने के लिए क्या है, कम वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीजें इसलिए अंडरस्टैंडिंग है कि यहां पर जब टेम्परेचर डाउन करोगे तो डेफिनेटली वो आपका क्या, कंप्रेसर वर्क को कम करेगा। और फाइनली ये आपका गया कंप्रेसर 2 में, जहां से ये जो आपका 5 बार है 5 बार फाइनली कितने में कन्वर्ट हो गया, 25 बार में। ठीक है, अब यहां से जो आपकी 25 बार की फाइनली जो चीजें कन्वर्ट हुई है, अब आप इसको क्या करोगे, मान लो मुझे 25 बार का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे मुझे ये 25 बार मिल गई है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेफिनेटली स्टोर करना पड़ेगा। अब ये बताओ जब ये 25 बार पे बाहर निकल कर आएगा तो फिर से इसका जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है फिर से ये कंप्रेस करेगा तो बढ़ेगा, मान लो बढ़ के 200-250 डिग्री सेल्सियस चले गया। अब बताओ 200-250 डिग्री सेल्सियस अगर गया है तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे कि पास पास, डेफिनेटली फिर दूर दूर चले गए हैं। तो अगर आप इसको अब क्या है, स्टोर करने जाओगे, स्टोर करने के लिए क्या डिवाइस बताया था, रिसीवर। अब अगर आप इस चीज को स्टोर करोगे तो वहां पे रिसीवर जो है, रिसीवर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसीवर का साइज बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं स्पेस कंजप्शन भी बढ़ गया, आपका एडिशनल स्टोरेज टैंक का चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगेन हमको क्या करना है, इस चीज को हमें कम से कम स्पेस में स्टोर करना है। अगेन क्या करिए, फिर से आप वही काम कर दो, ठंडा कर दो। ठीक है, तो ठंडा करने से, देखो ठंडा करने का मतलब सीधा सीधा टेम्परेचर को डाउन करना, प्रेशर के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। तो फिर से ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके का डिवाइस यहाँ पर हम लोग अटैच कर देते हैं। मतलब आप देखोगे तो ये जो हमारे पास है यहाँ पर इस तरीके का डिवाइस हमने अटैच कर दिया है। तो ये जो हमारा डिवाइस है ये देखो आपका बीच में लगा हुआ था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकूलर। इंटरकूलर मतलब बीच में लगा हुआ था, और यहाँ पर जो आप एंड पार्ट में लगाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड आफ्टर कूलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द आफ्टर कूलर या व्हाट इज द यूज ऑफ द आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर का बेसिक फंक्शन क्या है, डेफिनेटली ये जो आपका स्टोरेज टैंक है, क्योंकि इसके नीचे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टोरेज टैंक मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो रिसीवर है उस रिसीवर में जाके इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। समझ में आया कहानी, ये जो हमारे पास रिसीवर है, ये जो आपका आफ्टर कूलर जो आया हुआ है, आफ्टर कूलर से जो भी निकल के आ रही है
उसको हम लोग रिसीवर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो गैसेस थी, ये गैसेस आपका जो भी था, तो आफ्टर कूलर का भी फंक्शन हमें समझ में आ गया और उसके बाद फाइनली ये रिसीवर में जाके स्टोर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फंक्शन देखोगे तो आपको कुल मिला के जो जो चीजें क्या क्या दिखी यहाँ पर, सबसे पहला चीज हमने कंप्रेसर है मल्टी स्टेजिंग में गए हैं। मल्टी स्टेजिंग में जाने के लिए क्या था, क्यों गए, क्योंकि हम लोग एक ही कंप्रेसर में यूज करते हैं तो कंप्रेसर का साइज बढ़ जाता। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या इसको छोटा छोटा करके यूज किए। फायदा क्या हुआ है हमारा, देखो बीच बीच में हम क्या इंटरकूलिंग करने से हमारा क्या वर्क इनपुट हमारा कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाय वन स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरकूलर, ठीक है, ये आपका इंटरकूलर हम लोग यूज क्यों किए हैं, जो इंटरकूलर है, इंटरकूलर बेसिकली क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कर रहा है कम। ठीक है, एंड प्रेशर यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर को किया है डाउन और प्रेशर क्या है आपका कॉन्स्टेंट। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि ये जो हमारा वर्क इनपुट जो आपको दिख रहा है, वर्क इनपुट जो है ये हमारा क्या है कम कर दे रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो यहां पर आपका इंटर हुआ। फिर से अगर मैं आफ्टर कूलर, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द आफ्टर कूलर, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं आफ्टर कूलर, ये आफ्टर कूलर यूज क्यों कर रहे हैं, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द रिसीवर। ठीक है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, जितने टर्म्स लिख रहा हूं दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द रिसीवर, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द रिसीवर। कहानी कुछ समझ में आया, तो ध्यान रखिएगा रिसीवर का साइज कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आफ्टर कूलर। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ स्टेज कितना भी बढ़ाते चले जाइए उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें मिल जाएगी और फाइनली रिसीवर में स्टोर, रिसीवर में जो भी चीजें आप स्टोर करने के बाद इसका आपको जहां पर यूज करना है आप वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टी स्टेज में यहां तक आपको समझ में आया हम लोग इंटर कूलर क्यों यूज कर रहे हैं और आफ्टर कूलर क्यों यूज कर रहे हैं। इंटर कूलर यूज किया गया है वर्क डन रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहां पर जो आपको 200 डिग्री सेल्सियस है इसी को अगर 200 में पास कर देंगे तो डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क डन आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या है यहां से जब आगे बढ़े तो हम लोग आफ्टर कूलर में, यहां पर आफ्टर कूलर क्यों यूज किए हैं, क्योंकि यहां पर जो आपका जो भी आपके मॉलिक्यूल है वो आपके थोड़े पास पास आ जाए, ठंडे हो जाए, ताकि हम लोग रिसीवर का जो हमारा साइज है वो हमारा कम हो जाए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मल्टी स्टेज का हमारे पास फायदा क्या क्या दिख रहा है, अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेजिंग, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे क्या क्या आपको फायदा दिख रहा है, यहां पे अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेजिंग, एडवांटेजेस ऑफ मल्टी स्टेजिंग, ठीक है, तो मल्टी स्टेजिंग के लिए आपको क्या क्या फायदा दिख रहा है। पहला, जो आपका कंप्रेसर का साइज है वो आपका कम हो गया है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या है, जो कंप्रेसर का जो साइज हमको दिख रहा है, कंप्रेसर साइज, ठीक है, कंप्रेसर साइज आपका डिक्रीज है। ठीक है, दूसरा, वेरी हाई प्रेशर कैन बी ऑब्टेन, यहां पे अगर आप सेकंड देखोगे तो वेरी हाई प्रेशर कैन बी ऑब्टेन, ये तो आप समझ गए, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जैसे जैसे हम लोग क्या है डिस्चार्ज प्रेशर P2 बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होते चले जा रही थी, लेकिन यहां पर क्या है आप बाईपार्ट कर दिए हो। यहां पे बाईपार्ट करने से आपको क्या दिखेगा कि जैसा जैसा आपका जो प्रेशर की बात चल रही है तो प्रेशर आपका क्या है जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो यहां पर एयर बाहर निकलने के बाद जब हम लोग इंटर कूलिंग कर रहे हैं तो वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर कंप्रेसर साइज आपका कम हो गया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं वेरी हाई प्रेशर कैन बी ऑब्टेन, डेफिनेटली। यहाँ पे नेक्स्ट केस पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर आप एक ही कंप्रेसर के अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली अंदर जितना ज्यादा प्रेशर होगा इसके चलते इस पे लीकेज प्रॉब्लम भी आपको दिखेगा। एक ही कंप्रेसर में जितना ज्यादा प्रेशर राइज करोगे तो प्रेशर राइज करने के कारण अंदर क्या होगा, आपको लीकेज प्रॉब्लम भी तो दिखेंगे। तो इस चीज को अवॉइड अगर हमको करना है तो डेफिनेटली मल्टी स्टेज में है। तो यहां पर एक चीज मुझे ये भी समझ में आ गया, क्या लीकेज प्रॉब्लम जो है ये भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे, लीकेज प्रॉब्लम कैन बी अवॉइड, ठीक है, लीकेज प्रॉब्लम कैन बी अवॉइड।
तो ये आपको समझ में आया कहानी, हमारे पास जो लीकेज प्रॉब्लम जो आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये कंप्रेसर के अंदर जो भी आपके लीकेज हो रहे हैं, ये लीकेज वाला पार्ट भी आपका हट गया, तो यहाँ पर एक ये हमको फायदा मिल गया, ठीक है। और साइज तो हम लोग देख ही रहे हैं कि नो डाउट कंप्रेसर का साइज कम हुआ है, और कंप्रेसर का साइज कम होने का मतलब कहीं ना कहीं आपका जो स्पेस कंज्यूमिंग है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो कंप्रेसर साइज कम होने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, जो आपका स्पेस है, ठीक है, स्पेस रिक्वायर अगर हम लोग बात करें तो स्पेस रिक्वायर भी हमारे पास कम हो जाएगा, तो स्पेस रिक्वायर्ड भी हमारे पास यहाँ कम हो गया। तो ये सब हमारे पास कुछ पैरामीटर थे जिसको लेकर हमारे पास मल्टी स्टेजिंग की गई है, और मल्टी स्टेजिंग का आपको जबरदस्त बेनिफिट दिख चुका है, ठीक है। और इसके लिए अगर मान लीजिए मुझे वर्कडन निकालना है तो डेफिनेटली इसका वर्कडन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगा, बट इसका हम लोग एक बार पीवी डायग्राम देख लेते हैं कि अगर मुझे पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है तो पीवी डायग्राम हमारा किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए कि सपोज प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये हमारे पास आप देखोगे तो ये हमारे पास है प्रेशर पी एंड दिस इज द वॉल्यूम वी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी। सबसे पहला चीज आप यहाँ पे देखिए, अगेन 0 to 1 जिसको मैं शो ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो ये आपका 0 to 1, और 0 to 1 आपके पास क्या था, सक्शन, यही तो था, तो 0 to 1 आपका सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है वो क्या क्या शो करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है। इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 2। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये वाला पॉइंट हमारे पास मान लीजिए जो आपका 2 इंटर कर रहा है, तो ये आपका इंटरकूलिंग हुआ, तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 3, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, 4, और आफ्टर कूलर के बाद फाइनली ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना है, 5, ठीक है। तो 0 to 1 तक की तो कहानी आपको क्लियर दिख रही है, 0 to 1 आपको क्या दिख रहा है, सक्शन दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद 2 से 3 आपको क्या है, इंटरकूलर, ठीक है, अच्छा सॉरी 1 से 2 मैंने ड्रॉ नहीं किया है, 1 से 2 आपका कंप्रेशन है, कंप्रेशन है तो डेफिनेटली आपको कैसा मिल रहा है, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, तो ये आपको मिल गया 1 से 2, ये जो आपको मिला क्या मिला, 1 से 2, कहानी क्लियर है। 1 से 2 अगर आप देखेंगे तो पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है, नेक्स्ट अगर आप 2 से 3 देखोगे तो 2 से 3 आपको क्या दिख रहा है, इंटरकूलर, इंटरकूलर दिख रहा है। इंटरकूलर में क्या होता है, प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर डाउन कर रहा है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो डेफिनेटली प्रेशर है तो प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन आएगी, टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी कम होगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी लाइन है ये आपको मिली 2 से 3, ठीक है, और 2 से 3 जो हमको दिख रहा है दिस इज द इंटरकूलिंग, जो आपको 2 से 3 दिख रहा है, 2 से 3 आपको क्या है, इंटरकूलिंग है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 to 4, 3 to 4 हमारे पास अगेन क्या है, सेकंड कंप्रेसर दिख रहा है, सेकंड कंप्रेसर में फिर से आपका कंप्रेशन होगा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आपका बढ़ गया 3 से 4, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 3 to 4, और 3 to 4 के अंदर अगर आप जाओगे तो अगेन आपको क्या है, कंप्रेशन सेकेंड स्टेज के लिए मिला हुआ है। और फाइनली जब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 4 to 5, फिर हम लोग कहाँ चले गए, 5 पे, और 4 to 5 अगेन आपका इंटरकूलर है, तो ये आपको प्रेशर मिला है, तो ये आपका पॉइंट आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ, ठीक है, क्या कि यहाँ पर जो भी हमारे पास प्रेशर है, ये जो इनिशियली इसको मैं प्रेशर P1 से रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पर जो आपको प्रेशर दिख रहा है ये प्रेशर को हम लोग ले लेंगे सीधा सीधा P2, इस लाइन पे जो भी प्रेशर है, व्हाट इज द P2, इंटरमीडिएट प्रेशर है, ध्यान रखिएगा ये प्रेशर है, ठीक है। और फाइनली जो हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर है, इस प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P3 से, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो इनिशियली यहाँ पे आपका जो प्रेशर बन रहा है ना इस पोर्शन पे, ये जो आपका प्रेशर है दिस इज द प्रेशर P1, इस जोन में जो आपको प्रेशर मिलेगा ये हम लोग लेंगे P2, और यहाँ पे जो आपको फाइनली एग्जिट, यहाँ तो प्रेशर का कोई वेरिएशन है ही नहीं, केवल टेम्परेचर डाउन हो रहा है, आफ्टर कूलर में क्या कर रहा है, टेम्परेचर डाउन कर रहा है, लेकिन प्रेशर आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे आपको जो मिलेगा डेट इज द 3rd पॉइंट। तो ये हमको पीवी डायग्राम में मिला है, तो पीवी डायग्राम में आपको 0 to 1 तक क्लियर है, दिस इज द P1, ये आपका P2 आया है, और ये आपका P3 आया हुआ है, क्लियर। 1 से 2 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो मिला हुआ है दैट इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ये हमको मिला है क्या, पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला हुआ है, दैट इज द पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कहानी कुछ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स था जिसको लेके हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हमारे पास पीवी की कहानी चल रही थी।
तो 0 to 1 ये जो हमारे पास है, ये देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्टेज है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास जो डायग्राम ड्रॉ किया गया दिस इज द 2 स्टेज डायग्राम, ठीक है। और 2 स्टेज में अगर आप देखोगे तो हम लोग कहां तक मूव किए हैं, P1 से P2, P2 से P3, मतलब P1 से हम लोग गए हैं P2 और P2 से फिर हम लोग गए हैं P3, मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर 3 स्टेज होगा तो कहां तक जाएगा, ये P4 तक जाएगा, मतलब जितना नंबर ऑफ स्टेज में ले रहा हूं उससे आपका एक प्लस में जा रहा है, ठीक है। और यही पे टर्म्स डिफाइन होता है, डेट इज कॉल्ड प्रेशर रेशियो, ठीक है। तो प्रेशर रेशियो को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहां पर बात करूं प्रेशर रेशियो, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका, प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो एक्चुअली होता क्या चीज है, अगेन डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा P2/P1, ये कहानी समझ में आया, P2/P1 विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, देखो P2/P1 ये लिखा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन P3/P2, ये सभी का आपको प्रेशर रेशियो क्या रहेगा, मान लीजिए कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं तो ये आपको मिलेगा P3/P2, दैट इज इक्वल टू आपको किसके बराबर मिलेगा, कोई भी आप कॉन्स्टेंट टर्म्स डिफाइन कर लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ n, तो ये हमारे पास प्रेशर रेशियो। तो ये हमारे पास क्या है, 2 स्टेज है तो फाइनली P3 तक गए हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास 3 स्टेज हुआ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये मेरे पास जो डिफाइन हुआ है वो 2 स्टेज के लिए डिफाइन हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मेरा अगर 3 स्टेज हो तो 3 स्टेज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, P3/P2, ठीक है। 3 स्टेज है तो कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा P1 से, बता दो कहां तक, P4 तक, एक आपका प्लस जाता है। तो यहां पर फाइनली मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, यहां पे लिखते हैं देखो P4/P3 विच इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख सकता हूं P3/P2 विच इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P2/P1 विच इज इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपका टर्म्स डिफाइन हो सकता है। तो ये आपका जैसे मान लीजिए 2 स्टेज है, ये हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारे पास 3 स्टेज है। तो इसी तरीके से अगर n स्टेज की बात किया जाए तो n स्टेज के साथ हमको क्या मिलेगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर n स्टेज, ठीक है। तो n स्टेज के लिए अगर मिलेगा तो आप कहां से कहां तक जाओगे, स्टार्ट तो आपको P1 से ही करना है, लेकिन यहां पे देखो 2 स्टेज था तो P3 तक गया था, ठीक है, 3 स्टेज था तो P4 तक गया था। n स्टेज अगर आएगा तो कहां तक जाएगा, N+1 तक, तो ये आपका जाएगा N+1 तक, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेफिनेटली आप जो भी टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पे आप लिखिए P(n+1)/P(n), इसी तरीके से आपका चलते चले जाएगा, ये आपका प्रेशर रेशियो है। मतलब जो भी आप टर्म्स को डिफाइन करेंगे, ये आपका P(n+1) ये है, उसके बाद आपका P4/P3 या जो भी आप टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं उस तरीके से आप इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए हमने 2 स्टेज के लिए बनाया हुआ है, अगर मान लीजिए मुझे 3 स्टेज के लिए बनाना हो तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया, जो टर्म्स लिखा हुआ है इसका अगर आप 3 स्टेज में ग्राफ देखना चाहते हैं तो देखिए आपको किस तरीके से दिखेगा। अगर हम लोग 3 स्टेज के लिए ग्राफ खींचे तो देखिए आपको कैसा दिखेगा ये, तो ये हमारे पास PV डायग्राम है। तो ये हमारे पास मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहला 0 to 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0 to 1, ठीक है। तो 1 से अब आपका 2 जाना है, तो ये हमारे पास 1 से 2 चले गया, ठीक है। अब देखो 2 से आपका 3 है, तो 2 से 3 आपको ये मिल गया, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज हुआ। फिर अगर आप जाओगे सेकेंड स्टेज में तो ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा 3 से 4, ठीक है। तो फिर ये आपको क्या मिला, ये कंडीशन मिला 3 to 4, ठीक है। 3 to 4 के बाद नेक्स्ट आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा 4 to 5, देखो 3, 4, ये 5 हमने लिख दिया, ये 6 लिख दिया, और ये फाइनली आपको मिलेगा 7। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेज आप कैसा काउंट करोगे, ये वाला जो आपका स्टेज है दिस इज द P1, ये वाला जो आपका स्टेज है ये आपको क्या मिलेगा, P2 मिलेगा, ये जो आपका स्टेज है ये आपको क्या मिलेगा, P3 मिलेगा, और ये वाला स्टेज आपको P4 मिलेगा। तो यही हमने लिखा हुआ है, देखो P4/P3 ये है आपका, दिस इज, ये आपका रेशियो क्या बनेगा, P4/P3, यहाँ पे आप आओगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू P3/P2, यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा, P2/P1,
यही मिलेगा, और इस पूरे की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कांस्टेंट मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें टोटल कितना कंप्रेसर यूज हुआ है, दिस इज द थ्री स्टेज कंप्रेसर है, और थ्री स्टेज में आपको तीन बार कंप्रेस करेगा। एक आपका कंप्रेशन ये वाला दिख रहा है, दूसरा आपका कंप्रेशन ये वाला है, तीसरा आपका कंप्रेशन ये पोर्शन है। ठीक है, कहानी क्लियर हुई। तो ये हमारे पास कुछ था, बाकी इसमें वर्क इनपुट कितना होगा, किस तरीके से होगा, सिंगल स्टेज में कितना था, मल्टी स्टेज में कितना जाएगा, उसको भी क्या हम लोग कम कर सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।